Hello everyone, welcome back to my channel Nidhivishwakarma. So friends, today I'm going to show you this wedding guest makeup look. Aur ye mera before look hai aur ye mera after look hai. Agar aapko ye makeup look acha lage to aap mere video ko like kare aur agar aap mere channel pe naye hain to please subscribe my channel and hit the bell icon for new video updates. तो मैं यहाँ मेकअप को स्टार्ट करूँगी. तो मैं यहाँ पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी. तो मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ निव्या सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम और इसके मैं पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्स गुडनेस का ऑर्गन फेशियल ऑयल. इससे मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगा. उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और ये है मालियो का मैटिफाइंग प्राइमर और ये मेरे पोर्स को अच्छे से फिल कर देगा और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा. तो इसलिए मैं इसको अच्छे से फेस पे और जहाँ मुझे ओपन पोर्स हैं वहाँ मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का 303 अपनी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को हाइड करने के लिए. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का हाई डेफिनेशन फाउंडेशन. इसका शेड है 10 और ये मेरे स्किन शेड से एकदम मैच करता है. तो मैं इसको ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और साथ में ब्लेंड करते जाऊँगी. और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो इसमें इसको अप्लाई करने के बाद कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसको मैं फेस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और साथ में ब्लेंड करते जाऊँगी जिससे कि मेरा फेस एकदम नेचुरल लगे. उसके बाद मैं फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मियोन का लूज पाउडर और इसको मैं पूरे फाउंडेशन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी कम क्वांटिटी में. उसके बाद मैं आईज मेकअप स्टार्ट करूँगी. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी की द जैकलिन हिल पैलेट. उसमें से एक ब्राउन शेड लेके मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी. मैं दोनों आईब्रोज़ की नेचुरल शेप को फॉलो करते हुए आईब्रोज़ को फिल करूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का बेक्ड हाइलाइटर और उसको मैं ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी और आईब्रोज़ के नीचे इस तरीके से अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैं आईज मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. तो आईज मेकअप के लिए मैंने एक ट्रांजिशन शेड लेके क्रीज पर अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड किया है. उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन शेड लेके उसको अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी इस तरीके से और आउटर वी पर फोकस करूँगी. इस तरीके से अप्लाई करना है और ब्लेंड करते जाना है. तो मैं इस तरीके से ब्लेंड करके उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन शेड जो मैंने ब्राउज़ को फिल करने के लिए यूज़ किया था. उसी शेड को मैं लेके क्रीज लाइन पर इस तरीके से अप्लाई करते हुए ब्लेंड करूँगी. उसके बाद मैं रोज़ गोल्ड शेड लेके जो सिमरी शेड है उसको मैं आईलेट के ऊपर अप्लाई करूँगी और लास्ट में आउटर वी पर ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी स्मोकी लुक के लिए. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाय बे का काजल और इसको मैं लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का मस्कारा. ये वाटरप्रूफ मस्कारा है तो उसको मैं आईलेसेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइनर और मैं इसे एक बेसिक सा लाइनर ड्रॉ करूँगी और मैं बिंग्स नहीं निकालूँगी. उसके बाद मैं फेस कॉन्टूरिंग करूँगी. तो कॉन्टूरिंग के लिए मैं सेम आई शैडो पैलेट का यूज़ करूँगी. उसमें से एक ब्राउन शेड लेके मैं इस तरीके से कॉन्टूर करूँगी जो मेरे कॉन्टूरिंग पार्ट हैं और मैं नोज़ कॉन्टूर करूँगी इस तरीके से अप्लाई करूँगी और उसके बाद ब्लेंड कर दूँगी जिससे कि कॉन्टूरिंग हार्श ना दिखे, ब्लेंडेड लगे और नेचुरल लुक आए. तो इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं ब्लशर के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लशर. तो इस तरीके से मैं ब्लशर अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी. लास्ट में मैं यूज़ करूँगी PAC का हाइलाइटर हाइलाइटिंग के लिए. तो इस तरीके से मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ क्यूपिड बो चिन और फोरहेड के ऊपर हाइलाइटिंग करूँगी. तो इस तरीके से मैं फैन ब्रश की
हेल्प से अप्लाई करूँगी और चीक्स के ऊपर भी इस तरीके से अप्लाई करूँगी चीक्स को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक और इसका शेड नेम है फ्लेमिंगो। तो मैं लिप्स को शेप देते हुए लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है और मैं लास्ट में पहन लूँगी इयररिंग्स और एक मैसी सा बन बना लूँगी। बस उसके बाद मेरा मेकअप कंप्लीट है। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।